নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আজকে সোনুবাবু ব্লগে সবাইকে স্বাগত জানাই। এক গ্লাস দুধ হালকা সা গুনগুনা গরম হতে উসমে মেজারিং কাপ কা এক কাপ চিনি মেনে ডাল কে আচ্ছে সে মিলা কে মিক্স কর লি চিনি কে সাথ। আবি জব তক চিনি না পিগলে তব তক হম দুধ গরম করনা হ্যায়। উসকে বাদ দুধ কো থোড়া গুনগুনা জিতনা ঠান্ডা করনা হ্যায়। আবি এক বাউল লে লেতে जिसमें 1/4 कप में सूजी डाल दी थी और 2 कप चावल का आटा या राइस फ्लावर और 1/2 कप जितने मैदा मैंने इसमें मिक्स करके फिर थोड़ा थोड़ा करके एक गरम दूध जो हल्का गर्म ही था उसको मिलाते जाऊंगी। थोड़ा पतला ही बैटर बना लेना है और आप चाहो तो स्टेज पर हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर सकते हो। देख लीजिए अभी इतना गाढ़ा है, मैं थोड़ी थोड़ी करके ये दूध डाल डाल कर ये बैटर को बनाए। एक साथ में पूरा दूध नहीं डाल दी थी इसीलिए अभी भी इतना ये मोटा है, बट हमें इसको और पतला करना है इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके दूध डालूँगी और बैटर को अच्छे से मेरे को पतला सा बैटर बना के लेना है। हमारा बैटर जो है करीब करीब रेडी हो चुका है, देख लेते। ऐसे ही पतला बैटर हमें बनाना है, ज़्यादा थिक बैटर अच्छे से जो मीठा है वो नहीं बना पाएंगे। तो ये है आज का गोल्डन पार्टी शप्टा का असली राज। एक गाजर को मैं अच्छे से ग्रेट करके ले ली थी, अभी उसमें थोड़ा सा बैटर भी मिक्स करके रख दूंगी। अभी गर्म करने के लिए तवा मैंने रख दी थी, नॉनस्टिक की तवा मैंने ले ली और अभी थोड़ा थोड़ा करके बैटर का एक राउंड सा रिंग बनाना है। इससे भी अगर पतला आपसे होता है तो आप डाल सकते हो। शुरुआत में थोड़ा मोटा हो जाता है, बाद में धीरे धीरे हम पतला बनाते जाएंगे। तो ये बीच में जो जगह है उसमें थोड़ा घी डाल देंगे क्योंकि ये गाजर है और गाजर को थोड़ा बॉयल होने के लिए, फ्राई होने के लिए, में टाइम देने के लिए पहले इसको रिंग बनाया और बाद में बीच में ही मैंने बैटर दे दिया। देखिए कितना सुंदर प्यारा सा बैटर दिख रहा है ऊपर से और उल्टी साइड से भी जब हम पलटेंगे तब भी बहुत बढ़िया दिखेगा। तो थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं। ढक्कन हटाकर इसमें पूर भरेंगे। आज का पूर जो है गाजर का हलवा से ही भरेंगे क्योंकि गाजर का गोल्डन मीठा है ये। लीजिए कितना इजीली ये हमारा तावे से निकल गया और पलट दिया और अभी दूसरा बैच भी डाल देते हैं। ऐसे पतला पतला करके आप डालते रहना, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और कलरफुल भी है तो बच्चे खूब पसंद करते हैं, बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं और हेल्दी भी है इसीलिए कभी कभार ठंड में तो बनना ही चाहिए ऐसे वाला मीठा घर में, जो बच्चों को पेट भी भरते हैं। आप टिफिन में भी डाल सकते हो अगर बच्चा आपको मीठा पसंद करे तो। मैं थोड़ा ज़्यादा करके घी डाल दी थी इसलिए कि वो घी तो बाद इधर ही रहने वाला है और इसी में ही ज़रूरत पड़ेगा तो खींच लेगा।
थोड़ी देर के लिए फिर ढक देते हैं और फिर ढक्कन हटाकर देखेंगे। ढक्कन हटाते देख लीजिए, ढक्कन डालने से क्या है, थोड़ा जल्दी बॉईल हो जाता है जो सब्जी हमने डाला है आज की पिठा में, तो इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन से ढक रही हूँ। और फिर से गाजर का हलवा का पूर, बहुत ही टेस्टी हलवा था। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी कर देना। देख लीजिए कितना प्यारा सा हमारा पीठा बनकर रेडी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।